केंद्र में भाजपा के दोबारा आने का विश्वास जताते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति और विकास लाने वाली मोदी सरकार ही है, अन्यथा 5 साल पहले यहां उग्रवादी गतिविधियों का बोलबाला था। अमित शाह ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और असम में चुनावी रैलियां की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने असम के मरीगांव में रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोनी बाबा तक कह दिया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वह असम से राज्यसभा गए। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप मंच से तेज आवाज में बोलते हैं, लेकिन इन 10 सालों की सरकार में कामों का लेखा जोखा क्यों नहीं दिया। इससे पहले अमित शाह ने बुधवार को हरियाणा के कैथल में जनसभा की थी। इस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। शाह ने यहां भी ये दोहराया था कि पुलवामा हमले के बाद ये मोनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी। हमारे जवानों ने बालाकोट के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारकर जवानों के बलिदान का बदला लिया, एक भी जवान मारा नहीं गया। जब हमारे जवान लौट कर आए तो पूरी दुनिया ने उनका पराक्रम देखा। दरअसल उनका इशारा था कि मनमोहन सरकार में फौजियों के सर कलम कर लिए जाते थे और सरकार सिर्फ मुंह देखती रह जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। SPN9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।